दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसे खतरनाक छक्के जड़े, ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे खौफनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को देखने वालों को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार रोहित की बल्लेबाजी कैसी थी, उन्होंने कैसे मिचेल स्टार्क को तोड़ा तोड़ा कर पीटा, उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला लग रहा है कि सबसे ज्यादा रोमांचक और सबसे ज्यादा धाकड़ होगा। वैसे राजकोट के सौराष्ट्र के इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी मिली और रोहित मैदान में उतरते टॉस हार गए, लेकिन बाजी कैसे जीतना है ये रोहित को अच्छे से आता है। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत वाकई में आज के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी थी, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए 9 ओवर में वनडे में अगर 80 रन बन जाए, एक आध विकेट गिरकर भी, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऊपर से 30 ओवर आते आते इस टीम का स्कोर 250 से ऊपर पहुंच चुका था, तो सबको लग रहा था कि शायद 400 रन हमें स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक कराया, जिसमें बुमराह ने आकर फ्रंट फुट पर भारतीय क्रिकेट टीम को फिर 3 बड़े विकेट दिलाए। दोस्तों बुमराह ने लबुशेन, एलेक्स कैरी, साथ ही साथ मैक्सवेल का विकेट लिया, तो वहीं कुलदीप यादव मिशेल मार्श को आउट करके गए और कैमरन ग्रीन को लगे हाथ, सिराज ने भी स्टीवन स्मिथ को आउट किया था। कुल मिलाकर दोस्तों 352 रन बन चुके थे। और देखिए 353 का टारगेट चेस करना हो तो कुछ आसान बात तो नहीं है कि ऐसे ही चेस हो जाएगा, इसके लिए कड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और एक अच्छी शुरुआत चाहिए होगी। लेकिन दोस्तों अच्छी शुरुआत रोहित शर्मा से बेहतर कौन कर सकता है इस अच्छी शुरुआत के लिए। लेकिन दोस्तों जो रोहित ने फैसला लिया ना, वो सबको बहुत ज्यादा चौंका चुका था। दोस्तों रोहित अपने साथ मैदान में गिल को नहीं, सुंदर को साथ लेकर आए। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर उनके साथ ओपन कर रहे थे। 18 गेंदे खेलकर दोस्तों वॉशिंगटन ने कुछ खास नहीं किया, केवल 10 रन बनाए, परंतु उसके बाद जो काम रोहित शर्मा ने किया ना, उसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छूट चुके थे। दोस्तों आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 6.5 ओवर के अंदर भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचाया और इस बीच ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े ना मिचेल स्टार्क को कि देखकर उनको भी नानी याद आ गई। पारी का पहला ओवर डाल रहे स्टार्क को इस तरीके से लताड़ा रोहित ने कि ओवर की दूसरी गेंद पर ही चौका जड़ दिया उन्होंने। इसके बाद तीसरे ओवर में जब स्टार्क फिर से उनके सामने आए, फिर से दोस्तों रोहित शर्मा ने फुल गेंद पर चौका जड़ा और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक खतरनाक छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों लग रहा था कि रोहित शर्मा पीट तो सबको रहे हैं, लेकिन खास तौर पर इंतजार वो स्टार्क का कर रहे हैं और तभी आया वो सिक्स जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों स्टार्क के ओवर की बात कर रहे हैं, 6 ओवर की आखिरी गेंद थी। स्टार्क ने इस बार एक और फुल लेंथ गेंद से रोहित को टारगेट करना चाहा, लेकिन दोस्तों रोहित तो रोहित है, डीप कवर के ऊपर से ऐसा शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और इस गगनचुंबी छक्के की रफ्तार इतनी थी कि कैमरा भी ढंग से नहीं पकड़ पाया था। दोस्तों रोहित ने केवल यही छक्के नहीं लगाए, आगे चलकर उन्होंने हेजलवुड को भी लगा दिया और पैट कमिंस को भी छक्का जड़ा। मतलब कि जो कोई भी आ रहा था उसे प्रसाद में केवल रोहित से छक्के मिल रहे थे। 24 गेंदों में 5 छक्के 3 चौके जड़कर रोहित शर्मा 46 रन पर पहुंच गए थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये वनडे चल रहा था, T20 या फिर T10 के रोहित शर्मा इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। खैर दोस्तों जो भी है, रोहित शर्मा की पारी ने सबको दीवाना बना दिया, क्योंकि 5 ओवर के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट कोई अगर बना सकता है तो वो रोहित ही है। और रोहित के सिक्स देखकर दोस्तों विराट कोहली भी सर पकड़ चुके थे, क्योंकि ऐसे सिक्सेस तो वो भी इतनी जल्दी नहीं लगाते। खैर दोस्तों रोहित के इन खतरनाक छक्कों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।